तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फ़ोटो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि इस टाइप की फ़ोटो हमें कैसे क्रिएट करनी है। पहले फ्रेंड्स ये फ़ोटो थी रियल वाली मेरी, जो मैंने अभी इस फ़ोटो को एडिट किया है इस टाइप की। तो फ्रेंड्स अभी इस फ़ोटो में बहुत कुछ बाकी है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि कैसे क्या, और इसमें फ्रेंड्स मैं कौन से PNG ऐड कर रहा हूँ वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना फ़ोटो का बैकग्राउंड्स और जो PNG मैं इसमें यूज करता हूँ वो भी आप डाउनलोड कर लेना। अगर कोई फ्रेंड्स दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई 100% कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही से अपना बैकग्राउंड कटआउट कर रखा है इसलिए मैं इसे फ्रेंड्स सेट कर लेता हूँ। अगर फ्रेंड्स आप नहीं जानते हो कटआउट कैसे करते हैं तो फ्रेंड्स मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से जाके देख लो जो वीडियो है कटआउट वाली, तो आप सीख जाओगे कि फ़ोटो को कैसे कटआउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं वीडियो आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स बताता हूँ इसमें कैसे किया PNG एड्स करनी है। तो फ्रेंड्स मैंने अपना बैकग्राउंड पहले सेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें PNG कैसे ऐड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐड फ़ोटो में जाएंगे और उसमें से हम अपनी PNG ले लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने ये वाली PNG ले ली है पैरेट्स वाली कुछ इस टाइप से। अब फ्रेंड्स हम दो रखते हैं ऊपर वाली PNG और सभी को इरेज कर देंगे, जो आपने अभी इरेज वाली बटन पर क्लिक करके इसे इरेज कर देंगे, और जो भी बकाया PNG से हैं दो PNG हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इन PNG को हम रिमूव कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये इस पर क्लिक करेंगे, अपनी PNG को सेट कर लेते हैं ऐसे। फ्रेंड्स मैंने सेट कर लिया, उसके बाद फ्रेंड्स से ये इस पर क्लिक कर देंगे, फिर से यस कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें और एक PNG ऐड कर लेता हूँ, PNG यही वाली, ये वाली PNG दोबारा से ऐड पे क्लिक करके फिर से इसे ऐड कर। इसमें फ्रेंड हम एक PNG रखते हैं और सभी को जो ऊपर आ रहा है रेज बटन इस पर क्लिक करेंगे और बकाया PNG को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस PNG के कुछ इस साइड ऐड कर लेंगे कुछ इस टाइप से। तो फ्रेंड्स मैंने ऐड कर लिए, इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो फ्रेंड मैंने इस टाइप से उसकी PNG ऐड कर ली और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसे सेव कर लेते हैं। इसकी थोड़ी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेव कर लेते हैं ड्रो टूल में जाके। उसके बाद ड्रो पे क्लिक करना, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स इसके हेयर PNG को हमें कैसे सेट करना है एकदम रियल टाइम में। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी होगी कि हेयर कट्स हेयर कैसे सेट करते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी आप वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया है, वो पर्सनली हेयर कट पे वीडियो बनाई हुई है मैंने। तो फ्रेंड्स आप वहाँ से भी देख सकते हो, उस एप्लीकेशन का नाम है ऑटोडेस्क। तो फ्रेंड्स आप वीडियो जाके देख लो, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें अपने हेयर्स कैसे सेट करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब इससे हम ले चलते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स मैंने इसके हेयर PNG को सेट कर लिया है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन से, जो मैंने वीडियो अपने पहले से अपलोड कर रखी है। तो फ्रेंड्स आप वहां से जाके उसमें देख लीजिए और कैसे हेयर PNG सेट करने हैं वो आप वहाँ से जाके कर लीजिए। इससे फ्रेंड आपकी फ़ोटो बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक लगेगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है, तो इसमें थोड़ा सा हम रीटचिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो कलर वाला ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा जो टैम्प है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे 12 के करीब, और वाइब्रेशन को भी थोड़ा सा डाल देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मिक्स वाले कलर पे जाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको माइनस कर देंगे ह्यू को और सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ऑरेंज कलर पे
इसको थोड़ा सिचुएशन थोड़ा सा कम कर देंगे और लेमन इसको थोड़ा बढ़ा देंगे इसमें 23 के करीब। उसके बाद फ्रेंड्स येलो में ह्यू को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, इसमें फ्रेंड्स सिचुएशन हम 60 डाल देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रीन कलर को हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं है, स्काई को थोड़ा सा डाल देंगे और सिचुएशन भी थोड़ी सी डाल देंगे। उसके बाद ब्लू कलर को बस ज़रा ज़रा सा डालना है हमें, ज़रा सा ब्लू कलर ह्यू थोड़ा माइनस कर देते हैं, सिचुएशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे इसकी। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाएंगे पिंक कलर में, पिंक कलर थोड़ा सा डाल देंगे और सिचुएशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे और ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हम डन कर देंगे इसे। उसके बाद फ्रेंड्स जो आ रहा है कलर वाला ऑप्शन, इसमें जो आ रहा है चौकोर, इस पर टाइप कर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसकी क्लियरिटी थोड़ी सी डाल देंगे और डेहेज को थोड़ा सा इसे कम कर देंगे डार्क के लिए। तो फ्रेंड्स इसे रखते हैं हम 30 के करीब। उसके बाद फ्रेंड्स बिगनेट को थोड़ा सा डाल देंगे 40 के राउंड। उसके बाद फ्रेंड्स हमें कुछ भी नहीं करना होगा। उसके बाद जो आ रहा है ये कंटेंट्स, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लाइट्स को थोड़ा सा माइनस, हाईलाइट को थोड़ा सा डाल देंगे, शेडो थोड़ा डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ब्लैक कम कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स हमारी फ़ोटो बन के तैयार हो चुकी है बिल्कुल रियलिस्टिक की तरह। अब फ्रेंड्स इसे हम देख लेते हैं कि पहले फ़ोटो ये कैसी थी जब हम पिक्स आर्ट से एडिट की थी। पहले फ्रेंड्स इस टाइप की फ़ोटो थी, अब लाइट रूम के बाद कुछ इस टाइप की फ़ोटो हमारी बन चुकी है। अब फ्रेंड्स फ़ोटो को हम सेव कर लेते हैं। जो फ्रेंड्स से ऊपर आ रहा है शेयर का वाला आइकन, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद ओके। तो फ्रेंड्स ये हमारी फ़ोटो बिल्कुल HD क्वालिटी में सेव होगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से एक लाइक कर देना, और साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो नीचे आपको दिखाई दे रही है रेड कलर में सब्सक्राइब की बटन, उस पर क्लिक करके उसके पास बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। इससे पर ये होगा मैं जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।